हे गाइस, वेलकम बैक टू DRS व्लॉग। आज हम यामाहा FGS V3 की टैंक रैप करने जा रहे हैं। इसकी टैंक फाइबर की है जिसमें कुछ ज़्यादा ही स्क्रैचेस आ रहे थे, सो मैंने सोचा टैंक पैड लगाने से अच्छा टैंक रैप करवा लेते हैं, जो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू टैंक पैड। पर्सनल बेसिस पे देखा जाए तो मुझे टैंक पैड पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टैंक रैप कराया है। अगर आपको टैंक पैड पसंद है तो आप टैंक पैड लगा सकते हैं। मुझे 150 में मेरा टैंक रैप हो गया, सो चलते हैं टैंक रैपिंग करने। मैंने इसका टैंक का ब्लैक वाला पोर्शन ही रैप करवाया क्योंकि उसी में स्क्रैचेस आ रहे थे, बाकी पार्ट तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का जिसमें बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आ रहे थे। ब्लैक वाले पार्ट में मैंने जस्ट एक महीना हुआ है मुझे बाइक लिए हुए और उसमें कुछ ज़्यादा ही स्क्रैचेस आ रहे थे, सो मैंने सोचा कि रैप करवाना ही चाहिए अब जल्द से जल्द। तो मैंने इसके टैंक के कैप के पास तक ही करवाया, पूरा नहीं करवाया, और ओरिजिनल कलर ही करवाया जो कि पहले का जो कलर था डिक्टो वही कलर है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि रैप करवाया टैंक करके। आप देखिए ऊपर में जहाँ पे रैप नहीं है और नीचे का रैप सेम ही दिख रहा है, एकदम डिक्टो सेम दिख रहा है, तो आप भी करवा सकते हो। मैट ब्लैक कलर है, नॉर्मल आसानी से मिल जाएगा कहीं पर भी। और टैंक रैप टैंक पैड से कुछ ज़्यादा अच्छा भी दिखता है। गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे वीडियोस आपको और देखने हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। और देखिए रैपिंग करने के बाद लग ही नहीं रहा है कि रैप किस किया गया है, टैंक करके जैसा का वैसा दिख रहा है, ओरिजिनल जैसा टैंक था वैसा ही दिख रहा है।